हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शकरकंदी के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि विंटर चल रहा है, तो विंटर में हम काफ़ी पराठे वगैरह खाते हैं, तो इस तरीके का हेल्दी पराठा आप बना के खाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता। हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे स्वीट पोटैटोस लिए हैं। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है ज़्यादा, और माइक्रोवेव कर लिया है मैंने करीब 4 मिनट तक, और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं ये देखिए। अब मैं इसे छील लूँगी, सारे छील कर इसका एक हेल्दी नाश्ता बनाऊंगी। चलिए सबसे पहले इसे छील लेती हूँ। अब हमने ये सारे स्वीट पोटैटोस अच्छे से छील लिए हैं। इसके जो छिलके हैं वो सारे अलग कर लिए हैं। अब बनाते हैं, एक डो बनाएंगे हम। थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको हम स्टफिंग के लिए मसाले की तरह तैयार करेंगे। मैं माइक्रोवेव नहीं है आपके पास तो आप इसे बॉयल कर सकते हो, पर ध्यान रखिए आपको शकरकंदी लेनी है वो बिल्कुल ही कच्ची वाली लेनी है, ज़्यादा मोटी वाली नहीं लेनी, क्योंकि उसमें थोड़ा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें जब आप स्वीट पोटैटोस लें वो थोड़ी छोटी सी हो और उसमें अनफ्लेवर हो। तो छोटे में कम मिठास होती है शकरकंदी में, और उससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसे मैं मैश कर लूँगी, फिर इसमें मसाले बनाऊँगी। मसाले जो हैं मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो सबसे पहले आप इसका डो तैयार करके यूज लेती हूँ। तो डो बनाने के लिए हमने ये मल्टीग्रेन आटा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा, ये थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लें, या फिर बेसन मिक्स करके भी ले सकते हो। तो मल्टीग्रेन आटे में मैं डाल लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्की सी अजवाइन जो हमने क्रश करके ली थी, कसूरी मेथी और रोज की हुई लगाएंगे इसका डो। एक चम्मच करीब ऑयल। अब लगाएंगे हम हल्का हल्का पानी डाल के इसका डो। सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ढक देते हैं और चलते हैं स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। जो हमने शकरकंदी को मसल लिया था अब उसमें मसाले मिला लेते हैं। अब इसमें हम मसाले मिला लेंगे। ये अमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/4 लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा 1/4 नमक, 1/4 धनिया पाउडर और 1/4 हमने जीरा लिया है। अदरक और हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसमें डाल दूंगी मैं, और हरा धनिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। आटे को मसल लेंगे। आटा हमने मसल लिया है।
तरीके से लोई लेंगे हम, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, रोटी या पराठे बनाते हैं, तो ऐसे हम ये हमने लोई बना ली है और इसमें हम पलौतन लगा लेंगे और पराठे की तरफ बेल लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम गोल कर लेते हैं और इसके अंदर स्टफिंग को डाल लेंगे और इसे चारों तरफ से कवर कर लेंगे जिससे कि जो हमारा पराठा है वो फटे ना। इसे इस तरीके से हमने पैक कर लिया है और फिर से पलौतन लगा के इसे बेल लेंगे और बिल्कुल धीमे हाथों से हम इसे बेलेंगे जिससे कि हमारा जो पराठा है वो फटे ना। तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब डाल देंगे। तवे को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। हम पराठे को थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद हम इसे पलटी कर देंगे। तो पराठा हमारा नीचे से सिक चुका है तो हम इसे पलट लेंगे। अब तो मैंने एक पतली सी स्पैचुला ली है, इससे मैं पलट लेती हूँ। अब मैं इस पर घी या बटर लगाऊंगी, तो आप चाहें तो अपने पसंद का घी से बना सकते हो या बटर से, तो मैं अभी घी लगा रही हूँ। मैंने घी एक साइड से लगा दिया है और फिर इसे पलट कर दूसरी साइड से भी मैं लगा दूंगी और इसे क्रिस्पी होने तक सेक लूंगी मैं। तो जैसे कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरीके से सेकना है। इसका टेस्ट आप बता नहीं पाओगे ये आलू का पराठा है या शकरकंदी का, इतना बढ़िया टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो इसी तरीके से हमें इसे सेक लेना है। अब सीककर हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से हमने सेक लिया है। अब बना रहे हैं हम दूसरा पराठा, उसे भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो मैंने इसे तवे पर डाल लिया है और दोनों तरफ इसकी घी लगा लूँगी और इसे भी इसी तरीके से सेक लूँगी। तो हमारा ये पराठा भी रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, जो भी आपके मनपसंद हो। तो फ्रेंड्स, पराठा कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।